आज इस बड़ी खबर इस वक्त उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है। उत्तराखंड में यूसीसी विधानसभा में पेश होने जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर ली है और इसी के साथ देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा उत्तराखंड जहां यूसीसी लागू होगा आजादी के बाद। थोड़ी देर में विधानसभा में पेश होगा यूसीसी का बिल। सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का क्षण है, ये पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। वो विधानसभा के लिए निकल चुके हैं और जिस वक्त पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम विधानसभा के लिए निकले, उस वक्त उनके हाथ में संविधान की कॉपी थी और इसी संविधान का हवाला देकर पुष्कर सिंह धामी लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान हमें ये बताता है कि एक देश होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए और इसीलिए उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आपको जानकारी दे दें, 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने एकाएक अपने संकल्प पत्र में यूसीसी की घोषणा की थी। उस वक्त इसे चुनावी घोषणा बताया गया था, लेकिन इस पर कमेटी का गठन किया गया, लगातार सुझाव मांगे गए, ड्राफ्ट तैयार किया गया। वो ड्राफ्ट कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमेटी की तरफ से सौंपा गया है और आज इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसी के साथ यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड आजादी के बाद। हालांकि गोवा में भी यूसीसी लागू है, लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में पूरे देश में यूसीसी लागू हो सकता है। तो यूसीसी एक ऐसा चुनावी मुद्दा है जिसको लेकर बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आती है और एक बार फिर से अपने विरोधियों को साबित करने में कामयाब हो जाती है कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक बड़ा आंकड़ा कोट कर रहे हैं। कल सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पॉलिटिकल कैलकुलेशन था, जो सीटों का समीकरण था, वो विरोधियों की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। पीएम मोदी ने 370 सीटें बीजेपी के जीतने का दावा कर दिया। पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव से महज 2 महीने पहले 370 के आंकड़े को कोट कर रहे हैं तो यूं ही तो नहीं कर रहे होंगे। एक एक सीट का आखिर क्या है कैलकुलेशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कैलकुलेशन, ये कॉन्फिडेंस आखिरकार क्या कहता है? 370 अगर बीजेपी जीतेगी तो 400 पार का आंकड़ा एनडीए पार कर लेगा, ये कैसे संभव हो पाएगा? आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने 2024 की इलेक्शन पिच क्लियर कर दी है। हम किस परिवारवाद की चर्चा करें? और 24 का रिजल्ट क्या होगा ये भी डिक्लेयर कर दिया है। देश के लोकतंत्र के लिए परिवारवादी राजनीति सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। रब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। मोदी चुनाव कैसे लड़ेंगे, मोदी चुनाव कैसे जीतेंगे, मोदी हैट्रिक कैसे मारेंगे, मोदी कौन से मुद्दे पकड़ेंगे, मोदी किसे जेल भेजेंगे, मोदी किसे माफ करेंगे, प्रधानमंत्री ने तफसील से इसका ब्यौरा बता दिया। एक एक बात से मेरा और देश का विश्वास पक्का हो गया है कि इन्होंने लंबे अरसे तक वहां रहने का संकल्प ले लिया। हमारा हौसला कितना बड़ा होता है तो आज पूरी दुनिया देख। चुनावी रैलियों में, पॉलिटिकल गैदरिंग में नेता बहुत सी बातें बोलते हैं, अधिक ऊंचाई पर जरूर पहुंचेंगे, मगर नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल ऑफिशियली पार्लियामेंट में। प्रधानमंत्री का एक एक शब्द, नरेंद्र मोदी का एक एक वाक्य रिकॉर्ड में गया है। आज से 100 साल बाद भी इसे देखा जा सकेगा, इसे सुना जा सकेगा, इसे पढ़ा जा सकेगा, क्योंकि आपकी सोच की मर्यादा देश समझ पा रहा है। 370 खत्म होते हुए देखा, इन्हीं माननीय सांसदों के आंखों के सामने और उनके वोट की ताकत से 370 गया। थर्ड टर्म, हैट्रिक, 400 सीट, रामराज, मोदी की गारंटी, लाभार्थी, विकसित भारत, अमृतकाल, गांधी, स्वराज, संविधान, लोकतंत्र, बाबा साहब आंबेडकर,
हिंदुइज्म, संस्कृति, राम मंदिर, ईडी, सीबीआई, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, घमंडिया, नरेंद्र मोदी का एक एक शब्द उनके सियासी शत्रुओं को नश्तर की तरह चुभने वाला है। मैं इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं, जिसको जो आरोप लगाना है लगा ले, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा। थर्ड टर्म के लिए पार्लियामेंट रिटर्न से पहले नरेंद्र मोदी का यह आखिरी संबोधन है। यहाँ से मोदी को चुनावी रण क्षेत्र में उतरना है। मैं देख रहा हूँ अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। कुछ दिन पहले रणभूमि कूच करने से पहले मोदी ने सारे सवालों के चुन चुन कर जवाब दिए। लेकिन याद करिए, उस कर्पूरी ठाकुर अति पिछड़े समाज से। पार्लियामेंट से खड़गे को भी आंसर मिला, राहुल गांधी को भी जवाब मिला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन को भी मोदी का जवाब मिल गया। कांग्रेस का विश्वास हमेशा सिर्फ एक परिवार पर रहा है। एक परिवार के आगे वो न कुछ सोच सकते हैं न कुछ देख सकते हैं। कुछ दिन पहले भानुमति का कुनबा जोड़ा लेकिन फिर एकला चलो रे करने लग गए। मैं देख रहा हूं अलायंस का ही अलाइनमेंट बिगड़ गया। 10 साल कम नहीं होते। 10 साल की सरकार और गिनती के 5-6 आरोप। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधी जो पोस्टर बनाते हैं उनमें लगाए जाने वाले आरोप उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। आरोप नंबर 1, मोदी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। आरोप नंबर 2, मोदी लोकतंत्र और संविधान को कुचल रहे हैं। आरोप नंबर 3, मोदी राज में महंगाई और बेरोजगारी आउट ऑफ कंट्रोल है। आरोप नंबर 4, मोदी सरकार में गरीबों की सुनवाई नहीं होती। आरोप नंबर 5, मोदी राज में युवाओं, किसानों, महिलाओं और मजदूरों के साथ न्याय नहीं होता। और आरोप नंबर 6, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से मुसलमान डरे हुए हैं। अरुणाचल से लेकर संसद के बाहर राहुल गांधी यही सब कहते हैं और संसद के अंदर उनकी पार्टी के नेता यही रिपीट करते हैं। इट हैज बीन क्रिएटेड सम सॉर्ट्स ऑफ एप्रिहेंशन फियर अमंग द माइनॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक हाल दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं। जब गलवान घाटी में इस तरह की घटना घटी जहां हमारा 20 जवानों को शहादत देने पड़ी, आपने कह दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, कोई नहीं घुसा, कोई घुसा हुआ नहीं है। इसमें सबसे बड़ा अगर हिम्मत किसी को मिली है तो चाइना को मिले। आप देखिए, आपकी जमाने के पूरे 2014 से लेकर आज तक एक के बाद एक चाइना पॉलिसी में आप फेलियोर और फेलियोर अब दर्शाते हैं। हमने दूसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी को ऐसी फुल टॉस बॉल मिले तो मोदी सिक्स ही मारते हैं। मोदी ने सारे आरोपों की गिनती की, उनको नोट किया, फिर बारी बारी से जवाब देना शुरू किया। लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत हो सकता है। आपके यहाँ पशुपालक माइनॉरिटी के ना हो, हो सकता है किसान आपके यहाँ माइनॉरिटी के ना हो, हो सकता है महिलाएं आपके यहाँ माइनॉरिटी में ना हो, हो सकता है कि आपके यहाँ युवा में माइनॉरिटी। क्या हो गया है दादा? क्या देश के युवा जी की बात होती है? समाज के सब वर्ग नहीं होते हैं? क्या देश की नारी की बात होती है? देश की सभी नारी नहीं होती है? कब तक टुकड़ों में सोचते रहोगे? कब तक समाज को बांटते रहोगे? सब सीमा करो, सीमा करो, बहुत तोड़ा देश को।
यहाँ हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते। जिन मुद्दों पर प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलते, मोदी उस पर भी बोले। कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों के परिवारवाद की जब भी चर्चा होती है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर राजनाथ सिंह और अमित शाह के बेटों की तस्वीर दिखाने लगते हैं। हाँ, ये सच है कि बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। नोएडा के एमएलए पंकज सिंह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे हैं। ये भी सच है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बेटे हैं। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी नेताओं का परिवारवाद कांग्रेस के परिवारवाद से अलग है। कैसे, ये प्रधानमंत्री ने समझाया। एक ही प्रोडक्ट बार बार लॉन्च करने के चक्कर में कांग्रेस की दुकान ताला लगने की नौबत आ गई है। अरे दुकान हम नहीं कह रहे, आप लोग कह रहे हैं। आप लोग कहते हैं दुकान खोलिए, सब जगह पे बोलते हैं, दुकान को ताला लगने की बात आई। यहाँ हमारे दादा अपनी आदत छोड़ नहीं पाते हैं, वहां से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं परिवारवाद की। मैं जरा समझा देता हूँ, आज माफ करना अध्यक्ष महोदय, मैं जरा समय ले रहा हूँ। आज इस परिवारवाद की चर्चा करते, अगर किसी परिवार में अपने बलबूते पर जन समर्थन से एक से अधिक अनेक लोग अगर राजनीतिक क्षेत्र में भी प्रगति करते हैं, उसको हमने कभी परिवारवाद नहीं कहा है। हम परिवारवाद की चर्चा वो करते हैं जो पार्टी परिवार चलाता है, जो पार्टी परिवार के लोगों को प्राथमिकता देती है, जो पार्टी के सारे निर्णय परिवार के लोग ही करते हैं, वो परिवारवाद है। न राजनाथ जी की कोई पॉलिटिकल पार्टी है, न अमित शाह की कोई पॉलिटिकल पार्टी है। और इसलिए जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर होने वाली चर्चा का जवाब देना संसदीय परंपरा का हिस्सा है। इसे एक तरह का रिचुअल समझिए, जिसे अब तक के सभी प्रधानमंत्री निभाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने इस मौके का इस्तेमाल 2024 के चुनावी लॉन्च पैड की तरह किया। प्रधानमंत्री जब लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए, तो उनके पीछे 330 सांसदों का बहुमत खड़ा था। एनडीए के 38 दल मोदी के साथ हैं। 12 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। 5 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकार है। देश की लगभग 60% आबादी डबल इंजन वाली सरकार को एंजॉय कर रही है, और अब सामने है 400 सीटें जीतने का लक्ष्य। आपको इतना बहुमत है, अब की बार 400 पार। मोदी का ये नारा विरोधियों के दिल दिमाग पर छाया हुआ है। आपको इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अपने तो 400 पार हो रहा है। अरे चार सौ तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है, ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में खड़े होकर अपने साथियों को भरोसा दिया कि हाँ, 400 सीटें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। और मोदी ने अपने शत्रुओं को चेतावनी दी कि हम फिर से आ रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। राजनीति सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। मैं आम तौर पर ये आंकड़े आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार करपा ही के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। माननीय प्रधानमंत्री जी,
24 के चुनाव से पहली बार बीजेपी के लिए सीटों का एक टारगेट सामने आया है। नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को 370 सीटें और एनडीए को 400 प्लस सीटें जीतने का टारगेट दिया है। ये टारगेट पार्टी की किसी मीटिंग में या किसी पॉलिटिकल रैली में नहीं दिया गया, मोदी ने ये नंबर पार्लियामेंट में बताया। देखिए, उत्तराखंड में यूसीसी विधानसभा में पेश होने जा रहा है। इस बड़ी खबर की एक एक डिटेल आपको देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया टीवी। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, पेंट योर इमेजिनेशन। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है अशोक मसाले। खास खबरें प्रेजेंटेड बाय एनबीसी बेयरिंग्स, लंबी रेस के लिए। सेहत की किसी को पड़ी नहीं, इनकी सेहत का ख्याल अगर हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। फॉर्चून सोयाबीन ऑयल, इसमें है सेहत के लिए जरूरी गुण। लॉक फॉर्चून सोयाबीन ऑयल। हाई बीपी के बारे में झूठी भ्रांति है कि इसका स्थायी समाधान नहीं है। नियमित योग, मुक्तावटी व बीपी ग्रिड के प्रयोग से इस रोग को हमने जड़ से मिटाया है। विकास की बात है, संकल्प का साथ है, सत्ता का जोर है, विश्वास की डोर है। वोट की नीति पर, आस्था के प्रभाव पर, राष्ट्र के चुनाव पर, धर्म की राह पर। राजधर्म सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वार पलटवार, बहस होगी दमदार। कुरुक्षेत्र 2024 शाम 6 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। प्रेजेंटेड बाय मार्वल चाय, ताजगी और जोश जगाए मार्वल चाय, हर लम्हा नया हो जाए। को पावर्ड बाय बर्जर पेंट्स, पेंट योर इमेजिनेशन। अशोक मसाले, स्वाद ही जिंदगी है अशोक मसाले। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। न लड़ते हैं, न लड़ाते हैं किसान, अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ पहुंचाने की कोशिश। महिलाओं को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर नहस नहस है। अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। मंदिर में ऊंची लहरें उठते दबाए। हम खबर दिखाते हैं। 19 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी आपकी आवाज। इंडिया टीवी आपकी आवाज। बीजेपी कह रही है कि हिंदू वोट राम के नाम पर एक हो रहा है। अब तक हिंदू वोट बंटता था और मुस्लिम वोट एकजुट होकर वोट करता था, लेकिन 2024 का चुनाव उल्टा होने वाला है। मुस्लिम वोट के ठेकेदार अलग अलग काउंटर पर खड़े हैं, सब मुस्लिम वोटों के टेंडर निकाल रहे हैं। इधर एनडीए की 400 सीट आए, यह तभी हो सकता है जब एक मुस्लिम वोट का बड़ा हिस्सा मोदी की तरफ शिफ्ट हो। क्या 24 में यह होने जा रहा है? क्या 90 दिन बाद होने वाले चुनाव में मुस्लिम वोट 3 टुकड़ों में बटेगा? एक बड़ा चंक कांग्रेस की तरफ जाएगा, एक अखिलेश ममता जैसी क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ जाएगा और एक नरेंद्र मोदी के लिए लाइन में लगेगा। क्या बीजेपी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर पाएगी? 2024 में बीजेपी को कितने परसेंट मुस्लिम वोट मिल सकते हैं? 10%, 20%, 30% या इससे भी अधिक? मोदी को 370 सीटों के लिए कितना मुस्लिम वोट चाहिए और कितना मिल सकता है? इसकी पूरी बैलेंस शीट आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
2024 में क्या हिंदू वोट एकजुट और मुस्लिम वोट बंटने जा रहा है? क्या काशी मथुरा के नाम पर मुस्लिमों को भड़काया जा रहा है? 24 में मुस्लिम वोट बंटने से किसे फायदा होगा? 24 के चुनाव से पहले मुस्लिम तुष्टिकरण का खेल शुरू हो गया। यूपी में सपा कह रही है मुस्लिम वोट मेरे पास, कांग्रेस कह रही है मुस्लिम वोट मेरे पास, बंगाल में भी कमोबेश यही सिचुएशन है, ममता मुस्लिमों को कसम दिला रही है। राहुल सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटों वाले क्षेत्र में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। 24 में कांग्रेस के साथ ही सपा और टीएमसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को मुस्लिम वोट बैंक से बड़ी उम्मीद है, यानी देश का मुस्लिम वोट बिखरने न पाए। लोकसभा की 543 में 92 सीटों पर मुस्लिम समीकरण काम करता है, इसमें से 16 सीटों पर मुस्लिम वोटर 50% से ज्यादा है, 11 सीटों पर ये 41 से 50%